दोस्तों, ये वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत काम आएंगे। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि अगर आप कुछ भी टाइप करते टाइम लेफ्ट या फिर राइट एरो क्लिक करते हो तो आपका जो कर्सर है वो एक लेटर आगे या पीछे होता है, लेकिन वही चीज को अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट या फिर राइट एरो क्लिक करोगे तो आपका कर्सर एक एक वर्ड आगे पीछे होगा। वैसे ही अगर आप कंट्रोल प्लस अप एंड डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आपका कर्सर एक एक पैराग्राफ ऊपर नीचे होगा। उसके बाद विंडोज प्लस एल प्रेस करने से आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप फिर से लॉक हो जाएगा, आपको दोबारा से पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आपने अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट या फिर कोई विंडो ओपन की है जिसमें आप स्क्रॉल कर सकते हो, उसमें अगर आप होम की प्रेस करोगे तो आप एकदम टॉप पर चले जाओगे और अगर एंड की प्रेस करोगे तो आप एकदम बॉटम पर चले जाओगे। उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड की अल्ट की प्लस लेफ्ट साइड की शिफ्ट की प्लस प्रिंट स्क्रीन को टैप करते हो तो आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हाई कॉन्ट्रास्ट मोड में स्विच हो जाएगा, और ये हाई कॉन्ट्रास्ट मोड काफी हद तक डार्क मोड जैसा ही होता है, और फिर सेम शॉर्टकट की यूज करके आप वापस नॉर्मल मोड में भी आ सकते हो। आई एम श्योर आपको इनमें से कोई ना कोई शॉर्टकट की तो जरूर काम आएगी।